नमस्कार साथियों इस वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर सितंबर 2024 यानी कि पिछले माह का और इस बार थोड़ी सी शैली चेंज की है प्रश्नोत्तर शैली जो है वो लगाइए आप बताना ये आपके लिए कैसी रहेगी श्री कृष्ण गमन पथ यानी भगवान कृष्ण जो है वो मथुरा से उज्जैन गए थे तो राजस्थान से होते हुए गए थे तो वो जो प्राचीन ऐतिहासिक उनका जो मार्ग था उसको पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा बीच में अलग अलग मंदिर भी आते हैं तो ये ही कृष्ण गमन पथ है तो प्रश्न ये बनता है कि मुख्यमंत्री ने श्री कृष्ण गमन पथ को कहाँ से कहाँ तक जोड़ने की घोषणा की तो उज्जैन से मथुरा यहाँ पे क्या है एक तो राजस्थान हो गया और राजस्थान के साथ साथ एमपी हो गया ठीक है यूपी नहीं होगा एमपी होगा ठीक है तो श्री कृष्ण मथुरा से उज्जैन तक भरतपुर कोटा झालावाड़ होते हुए पहुंचे थे इसलिए एक धार्मिक सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा क्लियर नेक्स्ट राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार तो अभी पाँच सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है पता है आपको राधा कृष्णन जो सर्वपल्ली राधा कृष्णन जो भारत के उपराष्ट्रपति थे भारत रत्न मिला उनको राष्ट्रपति बने और शिक्षक महान शिक्षक थे दर्शन शास्त्र के ज्ञाता थे तो उनके जन्म दिवस को जो है उन्नीस सौ या चौसठ से लगातार मनाया जाता रहा है शिक्षक दिवस के रूप में तो इस दिन शिक्षक पुरस्कार भी दिया जाता है और राजस्थान से दो दो जो शिक्षक है उनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया तो केवल संख्या भी ध्यान में रखें दो और कौन कौन हुकुम चंद चौधरी हुकुम हुकुम और बलजिंदर सिंह बलजिंदर सिंह तो ये है बलजिंदर सिंह और ये है हुकुम चंद ठीक है तो ये दो शिक्षक है इसमें पचास हजार रुपये दिए जाते हैं प्रशस्ति पत्र और मेडल दिया जाता है क्या किया इन्होंने विशेष नवाचार <coughs> तो बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं बाकी तो इनका योगदान काफ़ी रहा है तो हुक्म चंद ने क्या किया छात्रों के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रिक घंटी बनाई वैसे हमारी स्कूल में भी इलेक्ट्रिक बेल है जिसके चौदह से पंद्रह हजार सोलह हजार के बीच की रेंज रुपए लगते हैं उसके उसमें ऑटोमेटिक वो पीरियड सेट होता है घंटी बजती है तो इन्होंने क्या किया ये बीकानेर के हैं बीकानेर में इन्होंने अपने स्कूल में घंटी बनाई तो ये फेमस हो गई इनकी घंटी और दूसरे स्कूल यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर उत्तराखंड दूसरे राज्यों में भी इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक घंटी है उसकी टेक्निक की डिमांड चल रही है और हमें तो पता नहीं था हमने तो पिछले साल ही सोलह हज़ार की मंगवाई थी पहले पता होता तो हम यही मंगवा लेते तो ये क्या है एक हज़ार रुपये में मिल रही है इसमें क्या होता है एक पुराना स्मार्टफोन चाहिए एक एम्पलीफायर चाहिए और स्पीकर की आवश्यकता होती है तो ये इनका जो एक नवाचार था इसी प्रकार से जो बलजिंदर या बलविंदर सिंह है वो यूनाइटेड नेशन यानी यूएनओ के साथ में एक प्रोजेक्ट पर लंबे समय से काम कर रहे हैं इसलिए काफ़ी उसको लेकर फेमस रहे शिक्षा में रोचक शिक्षण के साथ साथ सीसीआर टी स्काउट गाइड तो स्काउट गाइड के लिए भी ये विभिन्न गतिविधियों में शामिल होते रहे हैं बच्चों को शामिल किया है तो दो शिक्षकों को हो गया पुरस्कार राष्ट्रीय नेक्स्ट ऊर्जा क्षेत्र के संयुक्त उपक्रम जॉइंट यानी कि अपने जो ऊर्जा की कंपनी है राजस्थान की उसने दूसरी कंपनियों के साथ में जॉइंट एमओयू किया है समझौता किया है तो कितनी प्रश्न बनता है कि राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक में कितने संयुक्त उपक्रमों की स्थापना की घोषणा की गई है तो उत्तर है चार उपक्रम चार जॉइंट उपक्रम जैसे अपनी जो कंपनी है वो है आर वी यू एन एल आर वी यू एन एल यानी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड तो ये तो ये हो गई और इसके साथ हो गई तो कोल इंडिया उसके बाद में एन जो कोयले वाली नेशनल थर्मल पावर वाली एक होगी गेल इंडिया गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड तो इनके साथ में समझौते किए हैं तो चार संयुक्त उपक्रम ध्यान में रख लेना अगला है साहित्य श्री सम्मान तो राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति एक प्रचार समिति है इसके द्वारा अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं तो साहित्य सम्मान किसे दिया गया तो प्रफुल्ल प्रभाकर प्रफुल्ल देखो पुरस्कार मिलता है तो प्रफुल्लित हो जाता है मन ठीक है तो प्रफुल्ल प्रभाकर यह साहित्यकार है खुद कवि है मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना पहले थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क सुरक्षा योजना अब नया नाम हो गया है जीवन रक्षा तो इस योजना का क्या उद्देश्य है तो आप ध्यान में रखना जीवन रक्षा जीवन की रक्षा कैसे आप देखते हैं कि कई बार हाईवे पे रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है और लोग वीडियो बनाने में, में लगे रहते हैं उसके बजाय कई भले लोग भी होते हैं जो उन दुर्घटनाग्रस्त लोगों को अस्पताल पहुंचाते हैं हमारे सुजानगढ़ क्षेत्र में इस क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है श्याम सुंदर स्वर्णकार वो एक तरह से आप ये मान लीजिए देवदूत की तरह ही है दिन हो रात हो कभी भी हो पुलिस भी उन्हीं को फोन करती है कि यहाँ पे दुर्घटना हो गई है श्याम जी आप आइए वो जाते हैं कोरोना में भी उन्होंने निशुल्क निशुल्क क्या कोरोना में उन्होंने जो है जो जो डेड बॉडी थी जिनका कोई आ नहीं रहा था परिवार का उनका उन्होंने अंतिम संस्कार किया सारा कार्य जो है वो एक अंतरात्मा की आवाज पे करते हैं तो कोई भी व्यक्ति है यहाँ पे हो सकता है कि सड़क दुर्घटना में मृत्यु को कम करना मान लीजिए किसी की सड़क दुर्घटना हो गई तो कोई व्यक्ति उसको अस्पताल पहुंचाएगा तो उसको उस भले व्यक्ति को दस हज़ार रुपये जो है वो दिए जाएंगे और नॉर्मली भी कोई दुर्घटना है तो उसको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा अगर कोई पहुँचाता है तो अब यहाँ पर कोई मजाक भी कर सकता है कि पीछे से टक्कर मार दी फिर खुद ही उसको ले गए ऐसा नहीं है ऐसी कोई रिस्क जो है लेगा नहीं क्योंकि कोई भी इस ऐसे मामले में जो है वो क्योंकि इसमें आगे फिर कार्रवाई कार्रवाइयाँ भी होती है आजकल हर जगह सीसीटीवी कैमरे के हैं तो निश्चित रूप से कहीं भी इस प्रकार की एक क्या होता है कि सड़क दुर्घटना में कई लोग लापरवाही भी करते हैं कोई पत्थर पड़ा है कोई कांच पड़ा है और है तो अगर संभव हो कोई खड्डा है तो आस के लोगों को उसको हटा देना चाहिए नहीं तो उससे भी दुर्घटनाएँ हो जाती है पोषण के अंदर ये क्या है जैसे आपने उचित मूल्य की दुकान आप जानते हैं तो प्रश्न बनता है कि जन पोषण केंद्र का शुभारंभ कहाँ से हुआ तो उचित मूल्य की दुकान आप जानते हैं जहाँ से राशन से सामान लेते हैं उसी में राशन के अलावा कुछ और पोषण मिलेट्स है दालें हैं वो भी मिलेगी तो उसी को थोड़ा और नया डिजिटल किया है तो जयपुर की शाहपुरा तहसील से जो है ये नाथ वाला गाँव से इसको शुरू किया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना थी ना उसके तहत ही इसको खोला गया है अगला प्रश्न नगरीय निकायों के कितने जिलों में जो है उपचुनाव होंगे यानी कितने नगरीय निकायों में जो है ना उपचुनाव होंगे नगरीय निकाय आप जानते हैं नगर पालिका नगर परिषद और नगर निगम एक लाख तक पाँच लाख तक और पाँच लाख से ऊपर ये तीनों का इनका चरण है तो 11 जिलों में उपचुनाव अभी सितम्बर माह में होंगे वीर दुर्गादास राठौड़ इतिहास आप जानते हैं मारवाड़ का तो इन्हीं का एक ट्रस्ट बना हुआ है जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी देता है तो वीर दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया तो उत्तर है यहाँ पे पाली जिले की मांडगायिका गौरी देवी पूरा नाम है गौरी देवी राव ये पिचासी नब्बे वर्ष के आसपास है काफ़ी उम्र है फिर भी ये गाती है और इन प्रसिद्ध है ये मांडगायिका के लिए तो इनको दिया गया है विजय कुमार सिंह विके सिंह एस प्रमुख है आप फोटो से पहचानते हैं खूब आजकल मीडिया में भी आते हैं और विद्यार्थियों की बड़ी इनके लिए दुआएं हैं प्रार्थनाएं हैं कि जो भी चोर हो सकते हैं पेपर चुराने वाले सबको बड़े मगरमच्छों को किसी को भी मच्छरों सबको पकड़ लो बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को लाखों में रोजगारों को तो ये जो रियल हीरो है विजय कुमार सिंह विक सिंह वैसे विक सिंह आपने पहले भी नाम पढ़ा होगा जो थल सेना प्रमुख थे केंद्र में मंत्री भी रहे तो विक सिंह वो अलग है ये अलग है विजय कुमार सिंह एस प्रमुख है आई है ये सीनियर आई है तो राष्ट्रपति पुलिस पदक इनको मिला है राष्ट्रपति सम्मान इनको मिला है उन्नीस सौ के ये राजस्थान के डर के आईपीएस अफसर है जो मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और उन्नीस सौ का मतलब हो गया आज आप देख लीजिए लगभग सत्ताईस अट्ठाईस साल हो गए इनको सर्विस में हालांकि चेहरे से इनकी लगती नहीं है इतनी एज अब है अगला राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन तो क्वेश्चन ये बनता है भाई इसे किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया है डिजिटल हेल्थ तो देखो हेल्थ के नाम आ रही है तो हेल्थ मतलब हो गया स्वास्थ्य तो स्वास्थ्य के लिए चाहिए चिकित्सा तो चिकित्सा विभाग के द्वारा शुरू किया गया है चिकित्सा तंत्र को ऑनलाइन किया जाएगा और हर व्यक्ति की आभा आईडी बनाई जाएगी ये इंपॉर्टेंट है आभा क्या है आभा आभा आईडी तो ये इसका क्वेश्चन आगे आ सकता है एग्जाम्स में आभा का मतलब हो गया आयुष्मान भारत ए बी एच हेल्थ ए यानी अकाउंट हेल्थ अकाउंट तो अपना एक स्वास्थ्य खाता भी होगा जैसे आधार कार्ड है बैंक अकाउंट है पेन है तो वैसे एक स्वास्थ्य खाता भी होगा जिससे कि अपने उसमें कई सुविधाएं रहेगी चिकित्सा संबंधी बीमा वगैरह और सब तो वो तो आभा क्या है तो आभा है चौदह अंकों की एक डिजिटल आईडी है आधार में बारह अंक होते हैं जन आधार में दस और ग्यारह होते हैं तो इसका उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं में रिकॉर्ड अक्षेस के लिए होता है यह होगा अगला प्रश्न माँ वाउचर योजना का उद्देश्य क्या है इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है माँ तो एम डबल ए मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना तो इसमें क्या है कि निशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा है भाई नॉर्मली सोनोग्राफी करते हैं तो आपको पता होगा सर सरकारी में तो फ्री है परंतु कई बार प्राइवेट में भी करवाना पड़ता है हर अस्पताल में मान लो सुविधा नहीं हो तो हज़ार पंद्रह सौ के बीच उसमें पैसे लगते हैं तो गर्भवती महिलाओं के लिए ये निःशुल्क किया गया है उनको एक वाउचर यानी कूपन मिलेगा डॉक्टर की वो मोर वगैरह लगी होगी फिर वो निजी अस्पताल में जाकर भी जो है वो सोनोग्राफी करवा सकती है तो मुख्यमंत्री महोदय ने आठ अगस्त दो हजार चौबीस को इस योजना को पूरे राज्य में लागू कर दिया है पहले क्या हुआ था आठ मार्च जो महिला दिवस होता है ना उस दिन क्या किया था इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पायलट प्रोजेक्ट का मतलब हो गया कि एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि किस प्रकार से क्या रहता है तो तीन जिलों में बारह भरतपुर और फलोदी में लागू किया गया था एकदम सक्सेस रहा फिर पूरे राज्य में लागू कर दिया है निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर भी गर्भवती महिला द्वारा निशुल्क सोनोग्राफी ये एक ही बार लगभग तीन चार माह का जब वो बच्चा होता है तो उस समय ही ये जो है वो गर्भ में उस समय करवाई जाएगी ये नहीं है कि भाई हर बार ये जो है वो चले जाएं क्योंकि वो लगभग जांच के लिए होता है ये अगला है हरियालो राजस्थान हरियाणो वैसे ये शब्द हड़ा ऐसे होता है हड़ा हरियाणो राजस्थान अभियान क्या है तो ये वैसे राजस्थान पत्रिका के द्वारा भी कई सालों से चलाया जा रहा है और राज्य सरकार ने भी चलाया है कि राजस्थान को हरा भरा करना है इसके तहत दो तीन अभियान इसमें रहे एक तो वृक्षारोपण महाअभियान महाअभियान इसमें क्या था कि रिकॉर्ड भी बनाया गया था एक दिन वो एक पेड़ माँ के नाम जिसमें करीब डेढ़ करोड़ के आसपास पौधे लगाए गए थे तो वृक्षारोपण महाअभियान में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से तो सात करोड़ पौधे सात करोड़ राजस्थान की आबादी है आठ करोड़ के लगभग तो सात करोड़ अगला है अगले पांच वर्षों में क्योंकि राज्य सरकार का कार्यकाल पांच वर्ष है तो पांच वर्ष का एक टारगेट होता है कि पचास करोड़ पौधे तो प्रतिवर्ष दस करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है आप इन प्रश्नों का और भी अभ्यास करना चाहें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारी पीडीएफ, सारे वीडियोज एक ही जगह एप्लीकेशन में लगा रखे हैं यस गुरु प्राइम पे उसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा इसमें इसी वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा कबड्डी खिलाड़ी है सचिन तंवर उनका संबंध किस टीम से हैं तो जैसे क्रिकेट की टीमें होती है वैसे कबड्डी की भी होती है और आप सोचें कि अच्छे पैसे भी इसमें मिलते हैं ये अपने उस टीम में भी शामिल थे ये शायद या तो ओलम्पिक वाले में थे या फिर कोई वर्ल्ड चैम्पियन में थे तो तमिल थलाइवा ये टीम है जिसमें इनको सवा दो करोड़ रुपए दो पॉइंट पंद्रह करोड़ में इनको खरीदा गया है पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया हालांकि ये क्वेश्चन तो इंडिया लेवल का वैसे करंट अफेयर का तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अभी इसी वर्ष तेईस अगस्त जो है तेईस अगस्त को मनाया गया था क्यों मनाया गया आप कमेंट करके बताइए मैंने टेलीग्राम पे भी ये क्वेश्चन डाला था राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ है तो सीतापुरा जयपुर में है तो ये पिछले सरकार के समय बना था इसमें क्या होता है कि विभिन्न बहुत सारी सुविधा है शानदार आप देख पा रहे हैं बाहर से भी ये लिखा हुआ राजस्थान इंटरनेस सेंटर और अंदर से काफ़ी आलीशान है बालकनी और खूब ये तो केवल एक ही तस्वीर है और भी इसकी अगर आप देखें तो ये कोई भी मीटिंग वगैरह हो और हो प्रोग्राम हो उसके लिए तो जयपुर में है अटल भूजल योजना को लेकर राजस्थान के कितने जिले इसमें शामिल है तो भूजल और अटल यानि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से भूजल जमीन का स्तर जो है जमीन में जो जल है वो दिनों दिन नीचे जा रहा है क्यों क्योंकि सिंचाई के रूप में हम पानी बहुत काम में लेते हैं तो वेस्टेज हो रहा है पानी या मान लीजिए उपयोग भी हो रहा है तो भी यूज तो हो ही रहा है तो गिरता जो भू जल स्तर है ना उसको कम करना उसको रोकथाम करना उसकी रोकथाम दो तरीके से होगी एक तो मिस यूज नहीं हो दूसरा उसका पुनर्भरण हो तो बारिश का जो पानी है उसको संभव हो तो या तो कुंड वगैरह में इकट्ठा कर लो फिर भी उसको नाले में वेस्ट न जाके कुई वगैरह में उसको शेड कर दो तो ये 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है होता है क्रिसमस डे के दिन 2019 वो कोविड वाला साल उस समय इसको शुरू किया था फिर आज पाँच साल हो गए हैं राजस्थान के सत्रह जिले इसमें शामिल हैं क्योंकि बाकी सब में तो भूजल जो है ना वो ठीक ही है लेवल जहाँ खतरा है वहाँ तो सत्रह खतरा याद रखें नेक्स्ट आरम रेसलिंग चैम नेशनल चैम्पियनशिप इसका आयोजन हुआ और राजस्थान के दो खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता कौन है इसमें राजस्थान पुलिस की टीम है जिसमें मनीषा चाहर और सारा चौधरी मनीषा और सारा इन्होंने स्वर्ण पदक जीता राजश्री योजना का उद्देश्य क्या है तो ये योजना पहले से चली आ रही है बालिका शिक्षा और शैक्षणिक स्तर में सुधार करना अगला क्वेश्चन कौन से पूर्वोत्तर राज्य पूर्वोत्तर वो जो असम मेघालय वगैरह जो राज्य है ना असम है अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय मिजोरम त्रिपुरा सिक्किम आदि जो पूर्वोत्तर में आते हैं उनमें से कौन सा एक राज्य है जिसने अपना जो जन आधार मॉडल है ना उसको अपनाने की घोषणा की है कि भाई हम भी इस प्रकार से अपनाएंगे तो वह है अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश ऐसे शुरू है अरुणाचल याद रखें राजस्थान उच्च न्यायालय के कौन से समारोह का आयोजन अभी जोधपुर में हुआ और प्रधानमंत्री मोदी जी भी उसमें शामिल हुए तो कौन सा था प्लेटिनम जुबली जब पिचहत्तर वर्ष पूरे हो जाते हैं ना तो प्लेटिनम जुबली होती है पचास वर्ष पे होती है सिल्वर जुबली नहीं गोल्डन पच्चीस पे सिल्वर फिर गोल्डन फिर प्लेटिनम और सौ पे होती है शतक शताब्दी समारोह तो राजस्थान उच्च न्यायालय के पिचहत्तरवीं वर्षगांठ के ऊपर ये मनाया गया कार्यक्रम हुआ और उनतीस आठ उन्नीस को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी जयपुर के महाराजा स्वाई मान सिंह द्वारा उद्घाटन किया गया था जोधपुर में राजस्थान कैडर की पहली आईपीएस महिला इंडियन पुलिस सर्विसेज की महिला जो भी रिटायर हो गई कौन थी भारत की पहली आईपीएस हो है वो तो किरण बेदी है ये राजस्थान कैडर की पहली महिला आईपीएस तो नाम है नैना सिंह बहुत ही बोल्ड कर्मठ ईमानदार पुलिस अफसर इनकी छवि रही है ये आप देख पा रहे हैं नैना सिंह तो इनका जो है राजस्थान कैडर की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी जिन्होंने अपनी सेवा के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य किए और सेवानिवृत्त हो गए ये सी आई एस एफ जो है सी आई एस एफ क्या होता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल उसकी महानिदेशक भी रही राजस्थान के कौन से विद्यालयों के छह विद्यार्थी और छह शिक्षक अभी पंद्रह अगस्त को दिल्ली बुलाए गए तो कौन से विद्यालय थे तो यहाँ पे ऑप्शन में आ सकता है अभी महात्मा गांधी विवेकानंद मॉडल स्कूल या पीएम श्री तो उत्तर है पीएम श्री विद्यालय तो ये पीएम श्री क्या है आपको पता ही होगा प्राइम मिनिस्टर एस एच आर आई श्री का मतलब हो गया स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी उभरते भारत के स्कूल बड़े डिजिटल स्कूल होंगे अभी हमारे पास में एक स्कूल है वो पीएम श्री में आई है तो अभी वहाँ के जो कुछ रोज़ पहले ही उनके गुरुजी का फ़ोन आया था कि भाई हमें भी ऐसे डिजिटल बोर्ड आपने घर पे लगा रखा है हमें हमारे स्कूल में लगवाने हैं दस बारह बोर्ड उनको लगाने थे तो डिजिटल बोर्ड होंगे हर कमरे में खेल मैदान होगा करोड़ों रुपये सरकार बजट जारी करेगी बड़े शानदार स्कूल ये जो है के से भी मुझे लगता है एक कदम आगे के स्कूल होंगे तो पीएम एम श्री के बच्चों को बुलाया गया था राजस्थान में कितने पीएम एम श्री स्कूल है पहले चरण में 402, दूसरे चरण में दो तो आप याद रखें 402, सौ कितने हो गए सात दो नौ छः सौ उनचालीस तीन नौ देखो छः और तीन जोड़ते हैं तो नौ होते हैं तो छः सौ उनचालीस याद रखें छः सौ उनचालीस पी एम श्री विद्यालय है अपने दो चरणों में तीन दिवसीय उत्सव हुआ सुरताल कहां पे हुआ? तो ये जवाहर कला केंद्र है जयपुर में लगभग सारे कार्यक्रम यहीं पे होते हैं आपको एक ऑप्शन रविंद्र मंच भी मिल सकता है, परंतु केवल नाटक आदि होते हैं इस प्रकार के कार्यक्रम यहीं होते हैं। अगला हाल ही में भाजपा के एक विधायक मृत्यु हो गई उनकी अमृतलाल मीणा तो अब कितने बचे हैं भाजपा के 114 115 थे चुनावों के समय तो एक सीट वो कम हो गई और एक सौ पे ही वैसे पहले वो चुनाव हुए थे फिर उपचुनाव हो गया था बाद में तो तो 200 हो गई थी सीटें अब उनमें पांच विधायक बन गए एमपी तो छह सीटें खाली हो गई है तो छह सीटों के ऊपर उपचुनाव होंगे तो ये आप ध्यान में रखना पांच सांसद बन चुके अगला नेक्स्ट जो है राजस्थान सरकार ने राजकीय विद्यालय सरकारी स्कूल उनके बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण तो कौन सा ऐप लॉन्च किया है तो हमने भी इस ऐप में काम किया था ज़्यादा कोई जटिल तो नहीं है बच्चों से पूछना होता है उसमें चित्र आते हैं कि भाई आपके कान प्रॉपर है क्या कान बालों में कुछ जू वगैरह तो नहीं है और भी कई उसमें जैसे कुछ बीमारियों के नाम दिए रहते हैं वो तो नहीं है हाइट कितनी है वज़न कितना है इत्यादि उसमें कुछ सवाल होते हैं लगभग बासठ से लेकर सत्तर तक सवाल है उसमें बालिकाओं के लिए कुछ अलग सवाल है तो वो एक एप्लीकेशन है जिसमें जिसका नाम है साला एप, शाला स्वास्थ्य परीक्षण मोबाइल ऐप शाला स्वास्थ्य परीक्षण तो वो लॉन्च किया है राजस्थान लोक सेवा आयोग अभी काफ़ी चर्चा में है और उसके अध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष को नियुक्त गए हैं किए गए हैं तो चंद मीणा यह है चंद मीणा जिनकी नियुक्ति अभी तीन एक साल पहले हुई थी शायद लगभग और अभी जो है ये कार्यवाहक बने हैं संजय सरोत्री रिटायर हो गए ना इसलिए ये बने हैं परमानेंट अध्यक्ष किसको बनाया जाता है आगे देखते हैं राज्य का पहला उड़ान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित होगा किशनगढ़ एयरपोर्ट पर तो इसका नाम अवयान अव्यान, अव्यान उड़ान प्रशिक्षण केंद्र रखा गया है अवयान होगा यहाँ पे वो पायलट बनने के लिए ट्रेनिंग होगी फ्लाइट की कैक्टस गार्डन कैक्टस आप जानते हो ना जो मुरुस्तुल्य पौधा होता है कांटे कांटे से होते हैं तो वैसे तो इसमें कांटे होते हैं पर लोग इसको सजावट के लिए लगाते हैं अलग अलग प्रजातियां होती है इसके तो अत्य अपने उदयपुर के केवड़ा में जो है ना केवड़ा के नाल वहां पे इसको लगाया जाएगा तो उदयपुर केवड़ा के नाल में अस्सी प्रजातियाँ इसकी अलग अलग अस्सी प्रकार की जो इसकी डिजाइने होती है वो लगाई जाएगी तो ये पर्यावरण संरक्षण वनस्पति दिन के लिए महत्वपूर्ण होगा राजस्थान सरकार ने भी ये घोषणा की है कि सरकारी कर्मचारी कौन से संघ की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं तो आर एस एस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ इतने दिन क्या था कि इसकी गतिविधियों में आप ओपनली शामिल नहीं हो सकते थे और उन्नीस में इंदिरा गांधी जी के समय इस पर रोक लगाई गई थी कि सरकारी कर्मचारी उसमें शामिल नहीं हो सकते गतिविधियों में परंतु अब हाल ही में केंद्र सरकार ने और उसके बाद में राज्य सरकार ने इस प्रतिबंध को हटा दिया है और अब उसकी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं मतलब इसको किसी प्रकार का कोई राजनीतिक दल नहीं माना है एक तरह से इसको जो है संघ स्वयं सेवक के रूप में संघ के रूप में मानते हुए अनुमति दे दी है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और ओ इनमें कितनी जातियाँ हैं तो एक विधानसभा में प्रश्न पूछा गया था उसके जवाब में बताया गया था कि अनुसूचित जाति जो है इसमें उनसठ अनुसूचित जनजाति है इसमें बारह और ओबीसी है उसमें बानवे उसमें बाण में सबसे ज्यादा इसमें ओबीसी में तो इतनी जातियां शामिल है जिनको आरक्षण दिया जा रहा है और आरक्षण कितना है एस को है सोलह परसेंट एस को है बारह परसेंट ओ को है इक्कीस प्रतिशत एमबीसी को एआईएसबीसी को 5 परसेंट और ईडब्ल्यू को दस परसेंट आरक्षण है तो इस प्रकार से हमने चीजें देख ली है सारे क्वेश्चन प्रश्नोत्तर शैली से एक बार रिविज़न और कर लेते हैं दो चार मिनट लगेंगे आप करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज पी डी एफ वीडियोज़ नोट्स मंथली आपको एक साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा जो यस गुरु प्राइम ऐप पे स्कूल व्याख्याता की वीडियो क्लासेज मैनेजमेंट इतिहास वाला पार्ट जीके वाला वो सब भी आपको यहीं पर कुछ आगे और भी क्लासेज यहाँ पे आपको मिलेगी अब एक बार हम पुनः रिविज़न कर लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में फटाफट आपको आ जाए विकर्षण गमन पथ याद हो गया होगा आपको मथुरा से उज्जैन दो शिक्षकों को पुरस्कार मिला है बलजिंदर और हुकुम चौधरी उसके बाद में चार संयुक्त उपक्रम के साथ समझौता हुआ है फुल प्रभाकर को हिंदी सम्मान और आयुष्मान जीवन रक्षा योजना सड़क दुर्घटना दस हजार रुपये जन पोषण केंद्र वही उचित मूल्य की दुकान के साथ ग्यारह निकायों में ग्यारह जिलों में चुनाव होंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दुर्गादास वाला गौरी को मिला है गौरी देवी को ये एस के प्रमुख है राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है चिकित्सा विभाग में डिजिटल हेल्थ आभा का मतलब है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता चौदह अंकों का माओ वाउचर योजना जो है वो निःशुल्क सोनोग्राफी वाली है वृक्षारोपण महाअभियान में सात करोड़ पौधे लगाने की बात हुई है लगा दिए हैं और सचिन तंवर कबड्डी के खिलाड़ी हैं अंतरिक्ष दिवस तेईस अगस्त इंटरनेशनल सेंटर जयपुर अटल भूजल में सत्रह जिले और इसमें मनीषा चारो सारा चौधरी को रेसलिंग में यानि कुश्ती में पुरस्कार राष्ट्रीय योजना बालिका शिक्षा के लिए अरुणाचल प्रदेश जन आधार अपनाएगा उच्च न्यायालय को पिचहत्तर वर्ष हो गए नैना सिंह रिटायर हो गई है आईपीएस थी पीएम श्री योजना में छः सौ उनचालीस स्कूलें हैं छः है, छः शिक्षकों को बुलाया था सुरताल जवार कला केंद्र के अमरतलाल मीणा की मृत्यु होने से भाजपा विधेयक एक बचे बच्चे है, हैं छः सीटों पर उपचुनाव होंगे ये एप्लीकेशन है चंद मीणा आर के कार्यवाहक अध्यक्ष और किशनगढ़ में वहाँ एयरपोर्ट का प्रशिक्षण वाला बना है कैक्टस गार्डन उदयपुर और आरएसएस में शामिल कर्मचारी हो सकते हैं गतिविधियों में उनसठ बारह और बानवे ये जातियों का वर्ग है ये था अपना सितंबर का करंट अफेयर धन्यवाद